मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हिंदी विषय के व्याकरण शास्त्र में पिछली बार हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आज हम हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ में मैं आपको अच्छी तरह से समझा करके बता रहा हूं। वैभव और अवंतिका अपने नाना नानी चाचा चाची के साथ पार्क में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? पार्क में। पार्क का मतलब बगीचे में, और बगीचे में फूलों पर तितलियां व घोड़े उड़ रहे हैं। पेड़ पर कोए व चिड़िया बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अंडरलाइन वाले शब्द है, वे हमें दो चीजों का ध्यान दिला रहे हैं। वो दो चीज है पुरुष व स्त्री। अब क्योंकि पुरुष और स्त्री कौन हो गए? वैभव पुरुष हो गया, अवंतिका स्त्री हो गई, नाना पुरुष हो गया, नानी स्त्री हो गई, चाचा पुरुष हो गया, चाची स्त्री हो गई, और तितलिया स्त्री हो गई, घोड़े पुल्लिंग हो गए, कोए पुल्लिंग हो गए, चिड़िया स्त्रीलिंग हो गई। तो ऊपर दिए गए वाक्य में अंडरलाइन वाले शब्द हमें पुरुष व स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। पुरुष जाति, पुरुष व स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। अब ऊपर के पैराग्राफ के उदाहरण के तौर पर हमने लिंग के बारे में पढ़ा। इनमें वैभव पुल्लिंग है, अवंतिका स्त्रीलिंग है, नाना पुल्लिंग है, नानी स्त्रीलिंग है, चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है, और तितलिया स्त्रीलिंग है, घोड़े पुल्लिंग है, कोए पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है। ये अंडरलाइन वाले जो शब्द है वे हमें पुरुष जाति व स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। तो अब पुरुष जाति और स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो लिंग की सबसे सरल और सटीक परिभाषा हो गई, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, लिंग किसे कहते हैं? लिंग का मतलब है जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो लिंग के हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग शब्द के बारे में हम जानते हैं, पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग का तात्पर्य क्या है। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का, मोर, हिरण, हाथी, नौकर, धोबी आदि, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या हुई? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। और अब लिंग का जो दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना, स्त्रीलिंग का अर्थ क्या है, स्त्रीलिंग का तात्पर्य क्या है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है, स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मोरनी, हिरणी, हथिनी, नौकरानी, धोबिन आदि, ये क्या है? सारे स्त्रीलिंग शब्द। अब लिंग के लिए मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं वापिस कि ये दो पैराग्राफ दिए गए, इसमें वैभव, अवंतिका, नाना, नानी, चाचा, चाची और तितलियां, घोड़े, कोए, चिड़िया, ये सब हमें पुरुष और स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो लिंग की परिभाषाओं में जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान रखना, लिंग
कितने मिनट होते हैं? दो मिनट होते हैं। मैं एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं, पुलिंग किसे कहते हैं? जिस सबसे हमें पुरुष शक्ति का पता चलता है या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुलिंग कहते हैं, या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, मोर, किरण, पापी, नौकर, धोबी आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग से क्या तात्पर्य है? स्त्रीलिंग का अर्थ क्या है? इसकी भी सबसे सुंदर और सटीक और सरल परिभाषा है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, मोरनी, हिरनी, हकीनी, नौकरानी, धोबिन आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। और ऊपर वाले शब्द हैं पुल्लिंग। जैसे लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो गया? लड़की। मोर का स्त्रीलिंग क्या हो गया? मोरनी। हिरण का स्त्रीलिंग क्या हो गया? हिरनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो गया? हथिनी। नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो गया? नौकरानी। धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो गया? धोबी। तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति व स्त्री जाति का पता चलता है या बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हुए? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अब हम लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद के बारे में अपन आज का जो होमवर्क है गृह पाठ है उसमें जो आपकी व्याकरण की वर्कशीट है उस वर्कशीट में लिंग किसे कहते हैं इसका आंसर आपको सुंदर सुंदर कच्चे पेंसिल से अच्छी राइटिंग में लिखना है। लिंग के भेद बताकर नाम लिखिए। लिंग के कितने भेद हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, दोनों भेदों के आपको नाम लिखने हैं। पहला नाम क्या हो गया? लिंग। और दूसरा नाम क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो लिंग की परिभाषा तो ये रही, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है इसे लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हुए? दूसरे प्रश्न में आपको लिंग के दो भेद बताने हैं, दो भेद लिखने हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इस तरह से आप अच्छी तरह से हिंदी की जो ग्रामर वाली वर्कशीट है, व्याकरण वाली वर्कशीट है, उसमें सुंदर राइटिंग में सुंदर ढंग से लिख करके आप आंसरों का आंसर देंगे और इन प्रश्नों का जवाब देंगे। थैंक यू।